राधे राधे गुरु जी, गुरु जी राधे राधे। गुरु जी मैं सुल्तानगंज भागलपुर जिला से हूँ और मेरी मैया कह रही थी कि आदमी जब स्वर्ग की ओर चले जाते हैं सब चीज हो जाता है तो फिर उनको पितृ दोष क्यों आता है? कहाँ चला जाता है व्यक्ति? स्वर्ग की ओर चले जाते हैं सब चीज, उसका दस संस्कार सब चीज हो जाता है तो फिर भी उनको मतलब कि पितृ दोष क्यों आता है घर में? क्योंकि यदि उनकी सदगति नहीं हुई मरने वाले व्यक्ति की, तो सदगति नहीं हुई तो वो आपसे क्या चाहते हैं कि तुम भाई कुछ मेरे नाम से पुण्य करो तो फिर मेरी सदगति होगी। जब नहीं करते तो फिर वही लोग हमें परेशान करने लगते हैं जिसे कहा जाता है पितृ दोष। और यदि वो हमसे खुश होते हैं तो आशीर्वाद देते हैं जिससे धन धान्य की संतति की संतान की वृद्धि होती है। और गुरुजी तुलसी की माला मैंने लिए, उनकी जाप कैसे करेंगे हम मुझे बताएं? तुलसी की माला हमेशा ऐसे पकड़ के यूं बीच की उंगली से माला खिसकानी, ये बीच की उंगली से गुरुजी? जी जी। और गुरुजी मैं हूँ और मेरे नाना जी मामा जी आए हुए हैं, ऐसे माला जपते हैं। जी गुरुजी। अब मेरे नाना जी मामा जी आए वहाँ बैठे, सबको आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खुश रहो, सबको आशीर्वाद। राधे राधे गुरुजी। भैया सबको माइक दो थोड़ा थोड़ा। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा, मेरा प्रश्न है कि अगर किसी के घर में मृत्यु हो जाती है और लड्डू गोपाल रखे तो वो कैसे सेवा करेंगे? छोटे छोटे बच्चे जैसे आप सेवा कर सकते हैं, जैसे कि उसमें होता है कि पूजा नहीं किया जाता है। नहीं तो आप कर सकते हैं, बच्चे छोटे बच्चे कर सकते, कन्याएं कर सकते। हाँ एक और सवाल है, ब्रह्मा जी के तीन सर क्यों होते हैं और कोई देवता का क्यों? नहीं, ब्रह्मा जी के चार सर हैं, दिखते तीन है, एक पीछे वाला दिखता नहीं है ना, तो तीन मानते हैं अपन लोग। ब्रह्मा जी के चार सिर हैं और दूसरी भगवान के हनुमान जी के पांच सिर हैं, है ना? तो सिर बहुत हो सकते हैं क्योंकि भगवान है ना, बहुत ज्यादा काम है। तो चारों वेद मतलब चारों सिर, चारों वेद मतलब ब्रह्मा जी के पास चारों सिर का अर्थ है कि वह चारों वेद के ज्ञानी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, इसलिए चार सिर। हमारे पास जितना ज्ञान है उसे करोड़ों गुना ज्यादा उनके पास। आप बताएं कि हम लड्डू गोपाल का सेवा, जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ उन्होंने चारों दिशा की तरफ देखा, भगवान की नाभि से प्रकट होने के बाद चारों दिशाओं पर देखने से उनके चार मस्तक हो गए और ये भगवत कृपा से ही हुआ। गुरु जी आप बताएं कि लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं लेकिन वहाँ पे और सभी देवी देवता भी तो रहते हैं, तो जोर है सबकी कर लो। राधे।